नमस्कार दोस्तों, आकाश एडिट में आपका स्वागत है। दोस्तों यार, आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई यार, तो माफ़ करना यार दोस्तों, मतलब थोड़ा काम था इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूँ मैं नियॉन इफेक्ट, जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में है, मतलब सभी इसे यूज़ कर रहे हैं, सभी अपने पिक में डाल रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो सब्सक्राइब कर ले यार। आप लोग देख लेते हो पर मतलब सब्सक्राइब चैनल नहीं करते, और यार फिर आप नेक्स्ट वीडियो से यार अपडेटेड नहीं रह पाओगे। तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन को जरूर दबाना। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों न्यू एडिट करने के लिए हमें पिक्सार्ट में अपनी पिक सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जाना होगा ड्रॉ वाले ऑप्शन में, ये ड्रॉ पे गया मैं, और ड्रॉ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर चूज़ करना पड़ेगा, वाइट, और ओके कर देना है। फिर आपको शेप वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर कोई भी आप शेप ले सकते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल, जो भी हो। मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, और इसे अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप ऑपसिटी या साइज रख सकते हो। तो मैं ये रख देता हूँ और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको स्क्रीन पर ऐसे स्वाइप अप करना पड़ेगा, इससे ये ट्रायंगल आ जाएगा आपका कुछ इस तरह। और आपको अपने हिसाब से जैसा आपको लग रहा हो, अच्छा है हाँ भाई ये वाला एंगल अच्छा है, तो आपको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके लगा देना है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। ये सेट हो गया है हमारा। सेट होने के बाद दोस्तों हमको इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है, और जो जो स्क्रीन पर या हमारे चेहरे पर आ रहा है उसे हटा देना है। ये मैं हटा देता हूँ इरेजर से। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कलर चूज़ करना है, रेड या ब्लू, जो भी आप चाहते हो नियॉन में। तो मैं ब्लू चूज़ कर लूँगा और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, और आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, एम्प्टी लेयर, और टैप कर देना है। ये हमारी न्यू लेयर क्रिएट हो गई। अब वापस जाना है, ब्रश सेलेक्ट करना है, मैं ये वाला ब्रश सेलेक्ट करूँगा, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है आपको जैसा चाहते हो आप। तो मैं सेलेक्ट कर दूँगा, ऑपसिटी इतनी रख दूँगा, ये सेट कर दिया मैंने। अब जो नियॉन का शेप है उसके बिल्कुल उसी जैसा, मतलब उसके हिसाब से आप उस पर टैप करके जहाँ जहाँ वो जा रहा है उस पर ऐसा कर देना है। इस तरह से करने के बाद आपको सिंपल फिर से लेयर वाले ऑप्शन में जाना है। अब कुछ नहीं करना यहाँ पर, ये नीचे देखोगे आप, इस पर नॉर्मल, मल्टीप्लाई, लाइटन, डार्कन, बड़े और भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको लाइटन पे क्लिक कर देना। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बन चुका है नियॉन शेप, पूरा नियॉन एडिट कम्प्लीट हो चुका है। इस तरह आप अपनी कोई भी पिक में नियॉन इफेक्ट दे सकते हैं। We'll be right back.